So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज के वीडियो में मैं आपको सारा डिफरेंस पॉइंट बाय पॉइंट विद प्रूफ एंड रेफरेंसेस देने वाला हूं इनोवाइज एंड कस्टम आईज के बीच में. और इस वीडियो को मैं बहुत ही डिटेल में बना रहा हूं ताकि सारे डाउट्स आपके मन में क्लियर हो जाएं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग और मार्केटिंग कंटेंट डाला जा रहा है कस्टम आईज के अराउंड. तो ये क्या चीज है और क्या इस टेक्नोलॉजी का इनोवाइज से कोई मैच भी है? देखिए, इन दोनों टेक्नोलॉजीज में अगर कोई चीज सिमिलर है तो सिर्फ इनके नाम, कि इनके नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं, बाकी इन दोनों टेक्नोलॉजीज में जमीन आसमान का फर्क है. और ये एक एक पॉइंट मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं. तो चलिए शुरू करते हैं. अब देखिए, ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें एक एक पॉइंट को मैंने टैबुलर फॉर्म में समझाया है. तो इसको एक साइड से शुरू करते हैं और आपको समझाना शुरू करता हूं. सबसे पहले जो इनोवाइज टेक्नोलॉजी है, इसको एल्कॉन वेवलाइट ने डेवलप करा है, जो जर्मन बेस्ड, यूएस बेस्ड कंपनी है. और कस्टम आईज जो है उसको श्विंड ने डेवलप करा है, जो एक जर्मन बेस्ड कंपनी है. अब दोनों ऑपरेशंस, इनोवाइज वाला भी एंड कस्टम आईज वाला भी, बेसिकली लेसिक कैटेगरी के ऑपरेशंस हैं, प्राइमरली लेसिक कैटेगरी के ऑपरेशंस हैं. हाँ, वो अलग बात है कि सरफेस वाली टेक्निक से भी इसमें ऑपरेशन करा जा सकता है, लेकिन प्राइमरली ये जो दोनों टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं वो लेसिक प्लेटफॉर्म पे करने के लिए डेवलप हुई हैं. अब ये क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ. देखिए, ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अगर लेजर से हम एक पेशेंट का चश्मे का नंबर हटाना चाहते हैं तो उस लेजर को हम आंख के ऊपर तीन तरीके से डाल सकते हैं. सो पहला तरीका होता है सरफेस वाले लेजर्स, जहां पे लेजर को डायरेक्टली काली पुतली पर डाला जाता है. नो ब्लेड, नो इंजेक्शन, नो टच, नो फ्लैप. फिर नेक्स्ट कैटेगरी होती है फ्लैप बेस्ड ऑपरेशंस, या जिसको बहुत पॉपुलरली लेसिक ऑपरेशंस कहा जाता है, जिसमें हम काली पुतली में एक पतला सा फ्लैप बनाते हैं, पहले लेजर को डालते हैं और इस फ्लैप को वापस रख दिया जाता है. और फिर थर्ड कैटेगरी होती है फ्लैप लेस लेंटिक्यूल वाले ऑपरेशंस, जहां पे आंख के अंदर एक पतले से टिश्यू का डिस्क बना के उसको साइड से एक छोटे से इंसीजन से निकाल लिया जाता है. तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम लेजर आंख में डाल सकते हैं एक पेशेंट का चश्मा हटाने के लिए. तो जो इनोवाइज है और कस्टमाइज है वो प्राइमरली इस कैटेगरी के ऑपरेशंस हैं जो डेवलप हुए हैं. लेकिन हाँ, ये सेम लेजर पैटर्न में बिना फ्लैप के भी आंख में डाल सकता हूं और पेशेंट को फ्लैप लेस का भी एडवांटेज दे सकता हूं. लेकिन जो टेक्नोलॉजी का क्रक्स है वो फ्लैप बेस्ड या लेसिक पे डेवलप हुआ है. तो थोड़ा सा मैं आपको ये और दिखा देता हूं. तो जैसे मैं अभी समझा रहा था कि अगर हमें लेजर डालना है तो तीन तरीके हैं, सरफेस डाल सकते हैं डायरेक्टली, फ्लैप बेस्ड डाल सकते हैं और फ्लैपलेस लेंटिक्यूल वाले डाल सकते हैं. तो कस्टमाइज एंड इनोवाइज इस वाली कैटेगरी के ऑपरेशंस है, ठीक है जी. लेकिन हाँ, अगर हम चाहें तो सेम लेजर पैटर्न हम सरफेस में भी डाल सकते हैं और पेशेंट को फ्लैपलेस का एडवांटेज भी इसमें दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जो मेन चीज हमें समझनी है दोनों के बारे में, वो हमें समझना है कि टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सी है. अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इनोवाइज जो है ये एक न्यू लॉन्च है, पहली बार दुनिया में
रे ट्रेसिंग लेसिक टेक्नोलॉजी को लॉन्च करा गया है। फर्स्ट टाइम हुआ ये दुनिया में, इससे पहले रे ट्रेसिंग लेसिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन कस्टमाइज जो है ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी जिसको हम वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक कहते थे, इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपग्रेड करके रीलॉन्च करा गया है। तो कस्टमाइज एक पुरानी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके रीलॉन्च करा गया है नए नाम से, जबकि इनोवाइज जो है ये पहली बार वर्ल्ड में रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च करा गया है। अब इसका मैं आपको प्रूफ्स भी दे देता हूं। सो ये मैंने थोड़ा सा गूगल पे सर्च करा, गूगल का एआई रिव्यू भी आ गया, यहां पे एआई ओवरव्यू भी आ गया गूगल का, और ये रेफरेंसेस भी आ गए, तो आप रेफरेंसेस भी देख सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे रेफरेंसेस नहीं है, बड़े बड़े जर्नल्स, जर्नल ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, मिनी विजन एजुकेशन, ऑप्थल्मोलॉजी एंड विजुअल साइंसेस, सो बहुत हाई कैटेगरी के रेफरेंसेज हैं। तो यहां पे मैंने सर्च करा कि भाई लेसिक सर्जरी कैसे इवॉल्व हुई, तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले ट्रेडिशनल लेसिक या सिंपल लेसिक आया, फिर वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक आया, फिर टोपो गाइडेड लेसिक आया, और अब रे ट्रेसिंग गाइडेड लेसिक आ गया। तो इनोवाइज जो है वो यहां पे है, नया लॉन्च है, पहली बार दुनिया में रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी को लॉन्च करा गया है, जबकि जो कस्टमाइज है वो वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक का एक अपग्रेड है जिसको रीलॉन्च करा गया है, राइट। और मैं आपको ये बात थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूं विद प्रूफ्स की, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे इसमें। सो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सर्च भी करा हुआ है और मैं आपको सारा दिखा देता हूं। कस्टम आइज जो श्विंड अमारिस मशीन पे होता है, श्विंड कंपनी ने बनाया है, ये एक वेव फ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी है। जबकि अगर मैं आपको दिखाऊं इनोवाइज, तो इनोवाइज जो है ये पहली बार एल्कॉन ने वेव लाइट प्लस और इनोवाइज करके रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में लॉन्च करी है, राइट। तो जैसे मैं आपको समझा रहा था कि चश्मा हटाने के मैंने आपको बताए तीन तरह से लेजर कर सकते हैं, और तीनों कैटेगरी के लेजर्स टाइम के साथ एडवांस कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं इस कैटेगरी की जिसमें कस्टमाइज और इनोवाइज आता है। तो सबसे पहले इसमें एस्फेरिक लेसिक, स्टैंडर्ड लेसिक या उसको ट्रेडिशनल लेसिक कहते हैं, वो आया, फिर वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक आया। और ऐसा नहीं है कि वेव फ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट सिर्फ श्विंड में होती है कस्टमाइज वाली, वेव फ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट ऑलरेडी एल्कॉन की मशीन में अवेलेबल है और ऑलरेडी बाकी मशीन्स में भी अवेलेबल है, और अब श्विंड ने भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन कस्टमाइज वेव फ्रंट गाइडेड का एक अपग्रेड है। वेव फ्रंट गाइडेड के बाद एक टोपो गाइडेड टेक्नोलॉजी आई थी जो हमने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी कंटूरा के नाम से, ये तो ऑलमोस्ट सबने सुना हुआ है, और अब इसका अपग्रेड आ गया रे ट्रेसिंग लेसिक इनोवाइज के नाम से। सो दोनों टेक्नोलॉजीज का कोई कंपैरिजन नहीं है। वेवफ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी, फिर वो फेल हो गई थी, तब तक टोपो गाइडेड टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद अब एक और एडवांसमेंट आ गया है। तो इनोवाइज और कस्टमाइज दो अलग अलग चीजें हैं, और इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, दो अलग अलग कैटेगरीज के ऑपरेशन है, ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जब भी हम किसी पेशेंट का चश्मा हटाने का ऑपरेशन करते हैं तो उस पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हैं, लेकिन उस पेशेंट को हाईएस्ट सेफ्टी का भी एडवांटेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे चश्मा हटाने के ऑपरेशन छोटे बच्चों में होते हैं, 18 से 30 साल के बच्चों में होते हैं, तो सेफ्टी का ध्यान हम बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं। अब जो इनोवाइज है वो वेव लाइट EX500 लेसिक मशीन पे होता है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज होता है इनोवाइज का विथ साइट मैप डिवाइस, ये सारा कुछ US FDA से सेफ्टी के लिए अप्रूव्ड है।
दैट मीन्स InnovEyes की जो मशीन है और InnovEyes का जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है, और InnovEyes के सॉफ्टवेयर को अभी 5 मार्च को ही मिला है यूएस एफडीए अप्रूवल। आप 1 महीने बाद देख लेना यूएस एफडीए की वेबसाइट पे भी ये सारा कुछ आ चुका होगा। जबकि कस्टम आईज की जो मशीन है श्विंड अमारिस 1050 और जो इनका सॉफ्टवेयर है कस्टम आईज वाला, वो दोनों यूएस एफडीए से अप्रूव नहीं है सेफ्टी के लिए, नॉट अप्रूव्ड। और ऐसा नहीं है कि चलो कस्टमाइज InnovEyes सॉफ्टवेयर 2024 में लॉन्च हुए हैं, लेकिन मशीन्स तो पुरानी है। श्विंड अमारिस 1050 वाली मशीन तो 2013 में लॉन्च हुई थी, 2013 से आज 2025 हो गया, अभी तक इस मशीन को लेसिक ऑपरेशन करने के लिए यूएस एफडीए का अप्रूवल नहीं मिला है। तो कस्टम आईज के पास ना मशीन के पास यूएस एफडीए अप्रूवल है, ना सॉफ्टवेयर के पास यूएस एफडीए अप्रूवल है। जबकि कंपेयर टू InnovEyes जो अभी अभी लॉन्च हुई है रीसेंट टेक्नोलॉजी, और उसको हाथ के हाथ यूएस एफडीए अप्रूवल भी मिल गया है। InnovEyes की मशीन भी यूएस एफडीए अप्रूव्ड है और InnovEyes का सॉफ्टवेयर भी यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। तो अभी मैं आगे दिखाऊंगा, इसका भी प्रूफ दिखा देता हूं। और दूसरी बात मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इन दोनों की जो मशीन्स हैं उन दोनों में सुपीरियर मशीन कौन सी है। देखिए क्या होता है, जिसके पास जो मशीन होती है ना वो कहता है कि मेरी मशीन सुपीरियर है। जैसे मेरे पास Alcon की मशीन है तो मैं कहता हूं मेरी मशीन बढ़िया है, जिसके पास Schwind की मशीन है वो कहता है Schwind की मशीन बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों मशीन्स को कंपेयर करा गया है वर्ल्ड में, और कंपेयर करके जो रिजल्ट सामने आए उसको जर्नल्स में पब्लिश करा गया है। और मैं आपको दिखाता हूं पब्लिशिंग में क्या रिजल्ट निकला, क्यों Alcon की मशीन Schwind से ऊपर आई है, ये मैं आपको सारा दिखाता हूं। अभी एक एक चीज का प्रूफ देने वाला हूं आज मैं। सो ये आप यूएस एफडीए की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, लिस्ट ऑफ एफडीए अप्रूव्ड लेजर्स फॉर लेसिक। इसमें आपको Alcon वाली मशीन मिल जाएगी लेकिन Schwind वाली मशीन नहीं मिलेगी। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां पे चेक कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। अब देखो InnovEyes वाली जो ट्रीटमेंट है रे ट्रेसिंग वाली, वो तो सिर्फ अभी Alcon की मशीन में अवेलेबल है, लेटेस्ट लॉन्च है। लेकिन जो टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट है Contoura वाली और जो वेव फ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट है ये कस्टमाइज वाली, ये दोनों ट्रीटमेंट्स दोनों मशीन्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो वेव फ्रंट गाइडेड वाली ट्रीटमेंट जो है और टोपो गाइडेड वाली ट्रीटमेंट जो है ये Schwind की मशीन में भी हो सकती है और Alcon की मशीन में भी हो सकती है। तो इस स्टडी में दोनों मशीन्स के दोनों ट्रीटमेंट्स को कंपेयर करा गया, और मैं आपको दिखाता हूं इसका रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट में साफ साफ बोल दिया गया, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी रेफरेंस दे रहा हूं, पब मेड का रेफरेंस दे रहा हूं, सबसे रेप्यूटेड जहां पे सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड जर्नल्स होते हैं। और मैं दिखाऊं आपको क्या कंक्लूजन निकला, बोथ वेवलाइट EX500 एंड अमारिस 1050 लेसिक मशीन्स शोड एक्सीलेंट रिफ्रैक्टिव एंड आउटकम्स। दोनों मशीन्स ने चश्मे का नंबर तो अच्छा हटाया, लेकिन जो वेवलाइट वाली मशीन थी Alcon वाली मशीन, उसमें स्फेरिकल एंड कोमा वाली जो अब्रेजन्स हैं वो बहुत कम आई कंपेयर्ड टू अमारिस ग्रुप। दैट मीन्स जब Schwind की मशीन में ऑपरेशन करा तो चश्मा हटाने के साथ साथ पेशेंट की आंख में हायर ऑर्डर अब्रेजन्स बहुत ज्यादा इंड्यूस हो गए कंपेयर्ड टू Alcon की मशीन, जहां पे ये हायर ऑर्डर अब्रेजन्स बहुत मिनिमल आए। तो क्वालिटी वाइज Alcon की मशीन सुपीरियर हो गई Schwind से, ये स्टडी हमारे सामने है और कोई ऊटपटांग से स्टडी नहीं है, बिल्कुल रेफरेंस के साथ है, पब मेड में आप जाके देख सकते हो ऑनलाइन, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो ये भी मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं अब, ठीक है। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि मशीन की InnovEyes की सेफ्टी भी ज्यादा है, यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है ट्रीटमेंट, और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी Alcon की मशीन में ज्यादा बेटर होती है Schwind की मशीन से, ठीक है। अब बात करते हैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन।
कितनी हाई क्वालिटी का मैं पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइज ट्रीटमेंट कर सकता हूं इन दोनों टेक्नोलॉजी से। अब देखिए इनोवाइज जो है इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनोवाइज काम करता है इंडिविजुअल आई अवतार पे। हर पेशेंट की आंख का एक इंडिविजुअल आई मॉडल बनता है जिसको रे ट्रेसिंग के हेल्प से रिफाइन करके बेस्ट आउटकम दिया जाता है। लेकिन जो कस्टमाइज है ये काम करती है स्टैंडर्ड गुल स्ट्रैंड मॉडल पे, राइट? तो यहां पे एक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है, एक स्टैंडर्ड गुल स्ट्रैंड मॉडल को लेके उस पर पर्सनलाइजेशन होती है। और यहां पे एक स्टैंडर्ड गुल स्ट्रैंड मॉडल नहीं है, यहां पे हर पेशेंट का एक इंडिविजुअल आई अवतार बना के उस पर पर्सनलाइजेशन करी जाती है। तो ऑफ कोर्स हाई लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन होती है इनोवाइज में कंपेयर टू कस्टमाइज। एंड मेन चीज मैं आपको बता दूं, जो पर्सनलाइजेशन का लेवल मैं रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी में कर सकता हूं वो कभी पॉसिबल ही नहीं है वेवफ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी में। और इन सबका मैं प्रूफ देने वाला हूं, ऐसे मैंने कोई बात ही नहीं करनी, एक एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इसका प्रूफ दे देता हूं, पॉज कर देते हैं इसको यहां पे। तो ये सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, मैं थोड़ा सा इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं। तो ये अगेन ये मेरे डिफरेंसेस नहीं है, ये गूगल पे मैंने सर्च करा हुआ है रे ट्रेसिंग वर्सेस वेवफ्रंट गाइडेड लेसिक विच इज मोर पर्सनलाइज। ये रेफरेंसेज आए हैं, छोटे मोटे रेफरेंसेज नहीं है, जर्नल के रेफरेंसेज है, CRST ग्लोबल का रेफरेंस है, जर्नल ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी का रेफरेंस है। और यहां पे उसने सारी समरी मेरे को बना के दे दी। अब मैं आपको दिखा देता हूं, वेवफ्रंट गाइडेड ये कस्टमाइज है, ये इनोवाइज है। लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन हाई, लेकिन यहां पे हाइयर है, बेटर पर्सनलाइजेशन। फोकस नॉर्मल रिफ्रैक्टिव एरर्स, वाइडर रेंज, ज्यादा बेटर ट्रीटमेंट। कॉम्प्लेक्सिटी, ये मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, ये तो बहुत हाई एंड सर्जरी है, इस लेवल की सर्जरी तो आजकल पॉसिबल ही नहीं हो पाई। कॉस्ट ऑफकोर्स ज्यादा हाई एंड सर्जरी होगी तो थोड़ी सी ज्यादा महंगी होगी। वेवफ्रंट गाइडेड ऑपरेशन मेरे हॉस्पिटल में 95 का होता है, लेकिन रे ट्रेसिंग वाला मेरे हॉस्पिटल में 130 का होता है। ऑफकोर्स सी बात है बेटर टेक्नोलॉजी है तो कॉस्ट भी ज्यादा है। विजुअल आउटकम गुड, पोटेंशियली बेटर, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस। सो आप देख रहे हो कैसे कैसे डिफरेंसेस आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको इसको भी प्रूव कर दिया कि कैसे कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी ज्यादा पर्सनलाइज्ड है। अच्छा, अब फिर भी अगर आपको कस्टमाइज कराने का मन है तो आप अपने डॉक्टर से ये जरूर पूछिएगा कि डॉक्टर साहब कौन सी वाली श्विंड मशीन पे मेरा ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि श्विंड में भी 3 तरह की लेसिक मशीन्स अवेलेबल है। और अगर आपको कस्टमाइज ऑपरेशन कराना भी है तो अपने डॉक्टर से एटलीस्ट लेटेस्ट मशीन पे कराइए जो श्विंड की 1050 वाली है। ये जो पुरानी मशीनें हैं 750 एंड 500 इनको तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आउटडेट हो गया टेक्नोलॉजी, राइट? और एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली अगर मुझे एक लाइन में बोलना है कि क्या है कस्टमाइज, तो कस्टमाइज इज बेसिकली ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। टेक्नोलॉजी पुरानी है, टेक्नोलॉजी वेवफ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी जब लॉन्च हुई थी बहुत पॉपुलर नहीं हुई, फेल हो गई, तब तक टोपो गाइडेड टेक्नोलॉजी कंटूरा आ गई। कस्टम आइज जो है वो वेवफ्रंट गाइडेड टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपग्रेड और पर्सनलाइज करके रीलॉन्च करा गया एक नए नाम के साथ, लेकिन बेसिक फाउंडेशन इसकी वेवफ्रंट गाइडेड ही है। और वेवफ्रंट गाइडेड में जो कमियां होती हैं सर्जरीज में वो आज की डेट में वो सारी एग्जिस्ट करती हैं कस्टमाइज में। सो ऑफ कोर्स ही बात है कस्टमाइज और इनोवाइज में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनोवाइज आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कस्टमाइज पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो थोड़ा सा बस सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन मिसलीड करा जा रहा है, थोड़ा मार्केटिंग करा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कस्टमाइज वर्सेज इनोवाइज का। फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं एक और वीडियो बना के आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी बैक सून।